कहे गर्मी अपने पूरे शबाब पर है और उस पर चुनावी गर्मी ने और असर डाल दिया है। कहीं ना कहीं चुनाव जिस तरीके से प्रचार जोर पकड़ने लगा है उससे चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, उसी पे हम बात करेंगे। चाहे भैवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा हो, चाहे गुरुग्राम लोकसभा हो या फिर रोहतक लोकसभा हो, तीनों विधान इसमें लोकसभा क्षेत्रों पे हम बात करेंगे किस तरीके के रुझान है। और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश यादव जी जो मानेसर में हैं और अमर उजाला अखबार में काम करते हैं, और साथ के अंदर है सुरेंद्र चौधरी जी जो नागौर से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और एचआर न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं। तो दोनों से हम चुनावी सर्वे थोड़ी सी जानेंगे कि किस तरीके की चुनावी सरगर्मियां हैं। सुरेश जी, पहले तो आप ही के पास आ जाता हूं, बारी बारी हमें तीनों लोकसभा का थोड़ा सा रुझान पता चल जाए कि किस तरीके का आप देखते हैं, क्योंकि आप प्रिंट में काम करते हैं तो प्रिंट में ज्यादा खबरें छन-छन के आती है। थोड़ा सा क्या कहेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव और रोहतक भी थोड़ा सा आप बता सके तो। मैं केवल भिवानी और भिवानी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल बता सकता हूं, क्योंकि यहां से दोनों से मैं कहीं ना कहीं टच में हूं और रहा हूं। क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ में आज भी कांग्रेस और बीजेपी का टक्कर है, लेकिन हम ये भूल नहीं सकते कि मोदी कहीं ना कहीं पीछे है या इग्नोर है, या मोदी की कहीं गुडविल ज़्यादा खराब हो गई है। एंटी कैम्पेंसी मोटर के मोदी के खिलाफ हमने दिखाई नहीं दे रही है, और यह जातिगत समीकरण ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, लेकिन इस बार ऐसा है कि जातिगत समीकरण के बीच में जो मोदी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रहा है। और यहाँ महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र भिवानी में हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो लोगों की निगाहें हैं वो किरण चौधरी पर और श्रुति चौधरी पर लगी हुई है, कि वो हालांकि वो ये बात कहेंगी बार बार कि हम रावदान सिंह का समर्थन कर रहे हैं, हम वही करेंगे, उतनी ही मदद करेंगे जितनी रावदान सिंह ने हमारी मदद की थी। ये व्यंग्यात्मक शैली में भी कही जा सकती है, और हो सकता है कहीं ना कहीं अपने आप को कांग्रेस की हाई अथॉरिटी है उनके सामने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए या उनको कोई मौका नहीं देने के लिए आरोपों का, इसलिए भी हो सकता है। अंदर की बात ये मानी जा रही है कि वो दोनों संतुष्ट नहीं है रावदान सिंह के कैंडिडेट के रूप में, और ये उनके कार्यकर्ता भी समझते हैं। और ये बात भी है कि भिवानी पूरा क्षेत्र आज भी चौधरी बंसीलाल को इग्नोर नहीं कर सकता, और चौधरी बंसीलाल में श्रुति चौधरी और किरण चौधरी का होल्ड रहा है। विरासत से अगर कोई देखे तो विरासत में चौधरी बंसीलाल के लिए यही है, और इनका होल्ड कम नहीं है, वो रावदान सिंह को कहीं ना कहीं ज्यादा क्षति कर रहा है। लेकिन आप कह रहे थे कि मैं बीच में रोकूंगा, लेकिन कल राव इंद्रजीत सिंह वहां जो गए हैं धर्मवीर के लिए वोट मांगने के लिए, तो क्या लगता है वो भी राव दान सिंह को डेंट करके आए हैं? राव दान सिंह से उनका 36 का आंकड़ा है, और वो किसी भी कीमत राव दान सिंह को आगे नहीं देखना चाहते। ये राव परिवार की शायद आप ज्यादा जानते होंगे, इनकी एक बार अगर किसी से कटुता पैदा हो जाती है तो उसके बाद उनसे दोबारा से समझौता होने में बहुत टाइम लगता है। ये पता है राव परिवार ऐसा ही रहा है, एक खुददार परिवार है, राव दान सिंह को किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं करेंगे। और ये लेकिन सुरेश जी, कल जैसे राव इंद्रजीत सिंह गए अटेली हो, 4-5 जगह वो गए हैं, सेलंग में उन्होंने किया है, और एक कहीं ना कहीं हुड्डा को भी लपेटे में लिया है। ये हुड्डा जो सीएम बनने का सपना देख रहा है, तो आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हम देखेंगे कैसे सीएम बनेंगे। तो ये तमाम चीजों का जो क्या लगता है कि वहां अब थोड़ा सा गणित बदला है, क्योंकि कहा जाता है हर बार राव जब पैरवी करके आते हैं चौधरी धर्मवीर की, तो लगातार 2 बार जिताने में राव का बड़ा योगदान रहा है, जो अहिर वोट भी बहुत बहुल है, लेकिन इस बार बराबर में अहिर है। तो क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा, या राव की ज्यादा मानेंगे या दान सिंह की ज्यादा अहिर वोटर मानेंगे? देखो आज जिला महेंद्रगढ़ का अहिर राव दान सिंह को उतना नजदीक नहीं स्वीकार करता, अहिर नेता के नाम पर इसको कोई भी इमेज नहीं है अहिर नेता के नाम पर, लेकिन क्योंकि वो अहिर है इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है इसके प्रति, लेकिन एक तरह से मास लेवल पर इसका कोई इम्पैक्ट अहिर होने के नाते नहीं है। और ये तो राव बहादुर सिंह भी अहिर है, रावदान सिंह भी अहिर है। दूसरी है कि एक स्वच्छ छवि रावदान सिंह में कम दिखाई दे रही है। ठीक है वो अपने दावे करते हैं और वो जोर भी लगा रहे हैं,
लेकिन एक जो राव परिवार की छवि रही है उतनी छवि अपने आप को निखारने में राव दान सिंह कामयाब नहीं हो पा रहा है। सर दान सिंह के बेटे की जो पिछले दिनों मामला आया या कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो जिस तरीके से बयान दिया या लगातार मीडिया में सुर्खियां, क्या लगता है वो भी बड़ा डेंट राव दान सिंह को कर रहा है बेटे वाला मामला? ये बात से बाहर है, ये बात जग जाहिर है कि अक्षत राव की जमानत पर है और ये गुड़गावा कोर्ट से इसकी जमानत हुई है। उस टाइम भी कुछ तरह की चर्चाएं थी और ये कई दिन से मतलब एक तरह से गुम था, केवल जमानत के लिए ये प्रयास कर रहा था। जमानत जब तक नहीं हुई तब तक ये नहीं था, इसका शब्द कहीं लापता था जी। वो बातें, अक्षत राव भी नया चेहरा है जिला महेंद्रगढ़ के लिए, उसके लिए युवा आ रहे हैं, लेकिन युवा कितने आ रहे हैं वो उसकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, उसकी गुडविल पर डिपेंड करेगा और उसके मतलब चरित्र पर भी असर पड़ता है। चलिए गुड़गांव पे बाद में आऊंगा, लेकिन पहले, लेकिन अगर राव दान सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं तो क्या लगता है थोड़ा सा बदलाव, यानी कि राव कम डेंट कर पाएंगे? देखो राव, यहां दो बातें मैं आपको कहूंगा, राव अहीर मतदाता और जाट मतदाता। इस जिला महेंद्रगढ़ का जाट मतदाता आज हुड्डा की तरफ है, नो डाउट एट ऑल। ज्यादातर जाट मतदाता आज भी हुड्डा की तरफ जा चुका है, लेकिन अहीर मतदाता कहीं न कहीं हुड्डा से टीस खाए बैठा है। उसके अहीरवाल में हुड्डा के प्रति इतना रुझान नहीं है, कहीं कहीं एक नाराजगी है, या वो 10 साल में जिस तरह से परेशान थे लोग, वो परेशानी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। वो कहीं ना कहीं कवर के रूप में है, वो आड़े आ रही है दान सिंह के। चलिए ठीक है, मैं सुरेंद्र जी को, सुरेंद्र जी आप तो देखिए नारगढ़ में है, राव इंद्रजीत वहां पहुंचे धर्मवीर के लिए वोट मांगने के लिए, और बहुत सारी बातें भी हुई थी, वो भी हम लोगों ने लाइव चलाया था। क्या लगता है राव दान सिंह का नुकसान कर पाएंगे या भूपेंद्र हुड्डा का नुकसान कर पाएंगे? क्योंकि बड़ी दो बातें करके आए थे कि भाई सीएम बनने का सपना तो आप देख रहे हो, अगर आप उसके साथ खड़े हो जाट के साथ या जाट खड़ा अहिर के साथ, तो मैं भी तो जाट के साथ खड़ा हूं, फिर मुझसे नाराजगी क्यों? क्या मैसेज देकर के आए? क्या लगता है बड़ा नुकसान कर पाएंगे दान सिंह का? मोहनलाल जी बिल्कुल ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता हैं और आज सभी विधानसभा क्षेत्रों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, और राव साहब जो कहते हैं वो निडर होके और मुखर होकर के कहते हैं। और पिछले दिनों जब 4 मई को नामांकन सभा में नहीं पहुंच पाए और लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया कि कहीं राव साहब का एक गुप्त मैसेज तो नहीं है, लेकिन जब उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने आके 4 जगह जनसभाएं की और उन जनसभाओं में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं एक एक वोट, मेरा जो सपोर्टर है मेरे को जो मानता है वो एक एक वोट भाजपा के उम्मीदवार धर्मवीर को जाना चाहिए। धर्मवीर उनके पुराने मित्र हैं और कहीं ना कहीं पूरा इलाका जानता है कि उनको टिकट दिलाने में राव साहब का भी बड़ा भारी योगदान है। तो ये कहना कि भाई राव साहब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात पूरी तरह गलत है। और पिछले 2 दिनों के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस का चुनाव उठ रहा था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का 10 साल से कोई संगठन नहीं है, कार्यकर्ताओं की उनके पास कोई टीम नहीं है, तो एक प्रदेश सरकार के प्रति एक जो एंटीकम्बेंसी थी उसका फायदा उनको मिल रहा था। लेकिन 2 दिनों से जब से राव साहब यहाँ से दौरा करके गए हैं, भारतीय जनता पार्टी धर्मवीर का चुनाव फिर से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा है, और क्यों बदल गया, हवा का रुख बदल दिया राव ने? नहीं बिल्कुल तो नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है मोहनलाल जी, हवा का रुख, क्योंकि सट्टे मार्केट के अंदर भाव था उनका 50-60 पैसे का, आज बराबर का भाव आ गया दोनों का, दोनों कैंडिडेट आ गया है। तो इतना बड़ा बड़ी सत्ते में भी निगाह रखते हो? नहीं हमारे पास तो ऐसा ना सारा कुछ, लोग हम कई जैसे किसी से बात करते हैं तो वो जिसके साथ जुड़ा होता है उसकी बात करते हैं। अब सट्टे का जो ऐसा तो नहीं है सट्टे में बीजेपी के ज्यादा पैसे लग गए हो और आज जो है मोहनलाल जी बड़े चुनाव के अंदर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन क्योंकि ये सट्टा वैसे तो मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे देश में अरबों खरबों रुपए के सट्टे होते हैं और इनके लगता है वास्तविकता का। चलिए गुंबा हो जाएगा, सीधा सीधा गुरुग्राम लोकसभा सीट पे आ जाते हैं। सुरेश जी
जी गुरुग्राम लोकसभा सीट पे भी देखिए, आप कह रहे हैं कि राव ने नारगोल में असर डाल दिया, महेंद्रगढ़ भिवानी पे असर डाल दिया, लेकिन राव को तो गुरुग्राम लोकसभा सीट पर चुनौती मिल गई। फिल्म अभिनेता बब्बर पंजाबी समुदाय से, पंजाबी वोट बैंक बड़ा हो गया, तमाम देखे तीन चार दो दो बार स्वामी धर्मदेव यहाँ आ लिए, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे आ लिए और भूपेंद्र हुड्डा भी आ लिए बब्बर के लिए वोट मांगने के लिए। तो किस तरीके से देखते हैं चुनौती तो अपने खुद का भी घर बचाना है पहले तो राव को। देखो मैं गुरुग्राम का लोकसभा का इलेक्शन भी इस बार चरम पर जा चुका है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम जब शुरू में मानते थे कि भाई कांग्रेस ने प्लेट पर रख करके राव इंद्रजीत सिंह को जीत का तोहफा दे दिया, यही मानते थे एक प्लेट, लेकिन अब हमें वो नहीं लग रहा। हालांकि पिछले पांच छह दिन पहले मनोहर लाल ने पटौदी में जनसभा अटेंड की थी और उसमें सत्य प्रकाश जरावता जो पटौदी के विधायक वो वहां मौजूद थे और कल गुड़गावा में भूपेंद्र हुड्डा ने इसके राज बब्बर के समर्थन में रैली की जनसभा की। तो वो समीकरण तो बदल रहे हैं लेकिन एक सबसे खतरनाक बात यह है कि जो भाजपा कद्दावर नेता हैं जैसे राव नरबीर सिंह हुआ, सत्यप्रकाश रावता हुआ, ये जो बादशाहपुर के एट प्रेजेंट निर्दलीय विधायक हैं, ये सारे दिल से राव इंद्रजीत सिंह का साथ नहीं कर रहे, ये हकीकत है। ये औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, अपने आप को मतलब ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि तुम्हारे पर कोई ब्लेम भी ना कर सके कि तुम विरोध कर रहे थे अपने आप को। वो तो सुरेश जी रेवाड़ी में भी दिख रहे हैं कि भाजपा के जो नेता है, लेकिन राव खुद भी तो ऐसा बयान दे देते हैं ना कि अभी पहले पार्टी कार्यालय में जब मीटिंग थी तो पूछा गया पत्रकारों ने, जी आपकी पार्टी के फला फला नेते नहीं आए, तो उन्होंने कहा आए तो स्वागत है, नहीं आए तो स्वागत है, आए तो वेलकम, नहीं आए तो वेलकम। तो नहीं लगता वो कहीं ना कहीं एक बयानबाजी में नुकसान दे जाती है? देखो ये राव 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 इंद्रजीत सिंह की विशेषता रही है, आप तो बहुत पुराने आदमी हो, कि वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। उन्हें एक बार किसी से तोड़ लिया या नाराजगी हो गई तो वो इशारों में नाराजगी व्यक्त कर। भाई भाई 400 पार का नारा है, एक एक सीट की मुसीबत है, एक एक सीट निकालनी है। भाई आप कह रहे हैं मोदी का भी नहीं है इतना, मोदी का भी लोग जो है इतने नाराज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस गेन कर रही है, ये भी आप देख रहे होंगे। बब्बर का चुनाव जो फंसा दिया, यानी कि राव के चुनाव को भी बब्बर ने। मैं ये नहीं कह रहा है कि मोदी की खिलाफत है, नो, लेकिन जो मोदी की आंधी हवा थी वो कुछ डाउन हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इस राजनीतिक समीकरण से देखें और उसके बाद मोदी की हवा क्यों जो भी है उसको भी देखें तो आज के दिन राव इंद्रजीत सिंह निश्चिंत है कि मैं जीत रहा हूं। कितने से जीतेगा ये हमें नहीं पता। राज बब्बर राव ने मेवात में जो जनसभा करी वहां साफ तौर पे कह दिया भाई आप लोगों ने मुझे अभी तक नहीं जीता है, भाई कम वोट मिलते रहे हैं, मुझे इस बार यहां से जीता दो भाई, रेवाड़ी और तो मेरे को बावड़ और गुड़गांव तो मुझे जीताता ही है। लेकिन इस बार गुड़गांव और रेवाड़ी के अंदर भी स्थिति कहीं ना कहीं डावाडोल नजर आ रही है, कहीं ना कहीं राव को भी लग रहा है पंजाबी समुदाय का जिस तरीके से तड़का लगाया जा रहा है, क्योंकि बरोबर में पंजाबियों के 1.25 लाख करीबन वोट पंजाबियों के हैं, 8% के करीबन वोट है। देखो ये बात आपकी सही है, पिछली बार मेवात से राव इंद्रजीत सिंह को लगभग 80 या 84 हजार वोट मिले थे और वोट परसेंटेज भी वोट जो वोटिंग परसेंटेज थी वो भी ज्यादा थी। ये तो तय मानकर चलो कि इस बार मेवात में पिछली बार की तरह ज्यादा परसेंटेज नहीं रहेगी। अच्छा वो पिछले दिनों वाकई वो नुकसान कर गया मानते आप? वो वोट परसेंटेज थे ना केवल मेवात में बल्कि पूरे गुड़गांव में डाउन रहेगी कंपैरेटिव। नहीं मेवात में जो पिछले दिनों वो यात्रा जो निकली उससे जो विवाद पनपा लगता है नुकसान कर गया राव का ज्यादा, लेकिन राव ने तो फिर भी सदा वो बयान दिया था। वो नुकसान नहीं, उसके अलावा एक बात और आ जाती है कि राव की कुछ मुस्लिम परिवारों से में भी पकड़ है और वहां जो 25% नॉन मुस्लिम है उनको इग्नोर उनको दरकिनार नहीं करना ना, वो 25% नॉन मुस्लिम है वो तो पूरे पूरे आ रहे हैं, ये तो आपको भी पता है हमें भी पता है। केवल मेवात में मुस्लिम वोट ही नहीं है वहां नॉन मुस्लिम भी है, तो वहां राव परिवार की राव के समर्थकों का यह आंकलन है कि वहां पिछली बार 84 हजार लिए थे, हम इस बार 1.25 लाख है 1 लाख ले रहे हैं। वो किस एंगल से ले रहे हैं वो अपने रंगीन चश्मे से देख रहे हैं उसका नहीं पता, लेकिन जो सोहना और बादशाहपुर में जो राव को उम्मीद थी
वो नहीं मिल सकती है। तो गुड़गांव में नुकसान हो रहा है इस बार आपको लगता है? गुड़गांव देखो, पंजाबी समुदाय हमेशा बीजेपी का समर्थक रहा है, वो मानते हैं कुछ पंजाबी वोटर से राज बब्बर की तरफ आएंगे, लेकिन हम इसमें गारंटर नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि मास लेवल पर आएंगे। यानी कि मैं कम शब्दों में बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बीजेपी अपना जो पंजाबी उम्मीदवार उतार करके कैप्टन की टिकट काट करके कहीं ना कहीं राव को ट्रेन में फंसाया है। यानी कि देखिए, उनकी धर्मपत्नी खुद मुस्लिम है राज बब्बर की और वो पंजाबी है, तो क्या लगता है कि बड़े समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है? चल रहा है, ये उसी एंगल की तरफ जा रहा है रुझान जो फिलहाल जा रहा है। अगर राज बब्बर इलेक्शन उठाने में कामयाब होते हैं तो दो राय नहीं कि राव परिवार के पसीने आएंगे। अगर अब जो 5-7-8-10 दिन का टाइम है उसमें कौन आगे जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ मानसर के आसपास के कुछ गांव हैं, उन वहां भी लोगों में गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा इतना नहीं है कि राज बब्बर को वोट दे दें। इंद्रजीत के प्रति गुस्सा है, वो दो ही काम करेंगे, तो नोटा करेंगे या राज बब्बर को वोट नहीं देंगे या वोट नहीं देंगे। चलिए, मैं सुरेंद्र जी, गुड़गांव में आपने सुन लिया, लेकिन रोहतक भी आपकी नींगा है। कोसली एक हमारा जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां भी आपको लगता है इस बार हुड्डा के पसीने आ रहे हैं कि पिछली बार देखिए कोसली ने बड़ा बुरा हराया था हुड्डा को? मोहनलाल जी, भाजपा का जो नेतृत्व है और पिछले दो दिनों से आरएसएस वाले भी बड़े चिंतित थे, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने सिरसा और रोहतक सीट को कांग्रेस की सीट माना है, वहां कोई ऐसा खतरा नहीं है। बाकी चुनाव तो चुनाव ही होते हैं, प्रतिद्वंदी को कभी तरीके से आज जिस तरीके से डेरा डाला तमाम नेता व कोसली के अंदर पहुंचे हैं जी। चुनाव में तो देखो जाना ही पड़ेगा, कोसली में पिछली बार सबसे बड़ी हार हुई थी, लगभग 80,000 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा वहां से लूज हुए थे और उसके कारण ही कम मार्जिन से उनकी हार हुई थी। तो क्योंकि राव साहब जैसे हैं, इन्होंने जब यहाँ महेंद्रगढ़ में आके और चुनाव का दिशा बदलने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं मन में डर तो उनके भी है कि राव साहब। मेरा सवाल एक बड़ा है, आपको लगता है राव अगर कोसली में अरविंद के लिए घूम गए बीजेपी प्रत्याशी के लिए तो वहां भी डेंट करेंगे हुड्डा को, जैसे नारगढ़ में करी आए, महेंद्रगढ़ में करी आए, महेंद्रगढ़ भिवानी में? मोहनलाल जी, वो तो उनका खुद का क्षेत्र है, वहां से 3 बार तो शायद वो खुद बन चुके और 2 बार उनका भाई यादवेंद्र बलजीत, जिसको हम बलजीत कहते हैं, वो वहां से बन चुका। तो और अभी इन्होंने जैसे लक्ष्मण जी है, इससे पहले विक्रम यादव, सब राव साहब के ही तो उम्मीदवार थे जिनको उन्होंने टिकट दिलाई थी, वो वहां से कामयाब हुए। तो कोसली तो उनका क्षेत्र है, वहां निश्चित उनका। सुरेश जी मुस्कुरा रहे हैं। सुरेश जी, कोसली में भी राव साहब कुछ झंडा भरा के आएंगे, हरकत करने वाले हैं लगता है आपको? मैं सुरेंद्र जी की बात, या फिर हुड्डा के लिए दीपेंद्र के लिए सुरक्षित छोड़ देंगे, बोले इस बार नहीं, बोला आप हार जीत लो मैं यहाँ जीत लू, क्योंकि राव की सीट फंसी पड़ी है। अगर राव इंद्रजीत सिंह अगर वहाँ अरविंद के लिए जाएंगे, दीपेंद्र के अड़ंगा डालेंगे तो जाएंगे फिर हुड्डा भी यहाँ अहिवाल के अंदर अड़ंगा डालेंगे? देखो, मैं सुरेंद्र जी की बात से सहमत हूँ कि कोसली एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां राव के बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते, और हर मुश्किल की घड़ी में कोसली या सालावास ने राव को पूरा सपोर्ट दिया है। लेकिन आप भूल रहे हैं जगदीश अब कांग्रेस में आ गया, उसका भी 35-40 हजार वोट का अपना वोट बैंक है। वो बात मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जगदीश जी राजनीति से काफी दिन तक कट ऑफ थे, ये आपको मानना पड़ेगा। जगदीश जी राजनीति 19 में वो बीजेपी में थे, इसीलिए लक्ष्मण की जीत बड़ी हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नहीं, जगदीश जी के वोट जरूर है, लेकिन एक बात और है कि राव के हम कोसली में कभी कमजोर नहीं आते और है भी नहीं। एक और बात है आपको बता देता हूं मैं, कि एक समीकरण लोग कहते हैं उड़ती उड़ती बातों में कि राव परिवार और हुड्डा हो सकता है कहीं ना कहीं अंदर खाने समझौता करें, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राव परिवार कभी गुप्त समझौता नहीं करता, और स्पेशली उन लोगों से जो उसको कथित रूप से धोखा दे चुके। मैं ये नहीं कहता वास्तव में क्या है, लेकिन आरोप है कि जो उनको उनके वर्णों के अनुसार कि उनको धोखा दे चुके हैं, उनसे तो वो बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते। ये राव
चलिए देखिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, और सुरेश जी उम्मीद करूंगा आपके पास अच्छे आंकड़े हैं, आपके पास भी अच्छी जानकारी है, हमारे सुरेंद्र जी के पास भी अच्छी जानकारी है, तमाम लोग आप और अपना जो थोड़ा सा ना जो आंकड़ों का है और बनाए और थोड़ा सा पूरी जानकारी रखे, लगातार इस तरीके की हम डिबेट करेंगे। आज आप दोनों मेरे साथ जुड़े, इन दो तीनों सीटों पर हमने बातचीत करी, लेकिन चुनाव अभी फंसा पड़ा है क्योंकि आज 15 तारीख हुई है, 25 को मतदान होना है, 24 को नामा जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा, और अभी 13-14 दिन का कहें कि जो समय बड़ा क्रूशियल है, और जिस तरीके से राजबब्बर की आज रेवाड़ी के अंदर एंट्री है, गांव गांव और कहें कैप्टन हाउस उसके जो लिए लगा हुआ है। चलते चलते एक सवाल कर लेता हूँ सुरेश जी आपसे, कर लेता हूँ, कैप्टन की टिकट कटी, सूर्ति की कटी, आपको लगता है भाई बयान, कैप्टन का बयान बार बार आ रहा है कि अब बब्बर का चुनाव नहीं मेरा चुनाव है, दोनों पिता पुत्र कह रहे हैं और दंगे की चोट पे कह रहे हैं, और मैंने तो एक तीखा सवाल किया था कि कैसे गारंटी देंगे, उन्होंने कहा मेरी मेरा क्या घर नहीं जानते क्या लोग, बार मैं 6 बार विधायक रह लिया, मेरा बेटा रह लिया, मेरे पिताजी रह लिए, तो क्या हमारा घर कोई नहीं जानते क्या, किस तरीके से देखते, क्या सुरेश का ऐसा बयान आ जाना चाहिए था कि जो है दान सिंह का चुनाव मेरा चुनाव है, टिकट भले ही कट गई हमारी पार्टी एक है। देखो ये बात आपकी सही है कि उधर श्रुति ने भी कहा, किरण चौधरी ने भी कहा, इधर कैप्टन ने भी कहा, कैप्टन दोनों पिता पुत्र ने जिस ढंग से कहा, जैसे कि गारंटी चाहिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि काम मैं करूंगा, बब्बर भले ही चुनाव जीत जाए, सांसद मैं ही रहूंगा, एक तरीके से मेरे दरवाजे खुले हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं। देखो मोहनलाल जी, मैं आपको एक बात और बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि आज का टाइम जो चल रहा है वो राजनीति का नहीं है, वो रणनीति का टाइम, राजनीति नहीं हो रही है, आप इस बात को निकाल दो कि राजनीति हो रही है दलों में, आज रणनीति काम कर रही है, और ये रणनीति में ये बात जरूरी है कि ऊपर से कुछ और हो सकते हैं, अंदर से कुछ और हो सकते हैं, ये बात आज के टाइम में एक आम हो गई है, ऐसे किरण के साथ, ऐसे कैप्टन के साथ है, आप ये स्वीकार क्यों नहीं करोगे कि कैप्टन की राजनीति इसी पर है, लोकसभा और विधानसभा पर ही है, क्योंकि इस पे दोबारा बात करेंगे, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि 2-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। चलते चलते 20 सेकंड का समय है सुरेंद्र जी, मेरा वीडियो लंबा हो गया। मोहनलाल जी बिल्कुल जो बात आप ये कह रहे हैं, 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं और 4 जून को अगर जब परिणाम आएंगे तो श्रुति चौधरी या किरण चौधरी के तो सामने भिवानी जिले के अंदर और ऐसे रेवाड़ी जिले के अंदर और खासकर जहां इनका बेटा चिरंजीव राव रेवाड़ी शहर से उम्मीदवार है, यहाँ से विधायक है, अगर उनके कांग्रेस के हक में नहीं आए तो इनकी टिकट के ऊपर रोड़ा हो सकता है, यानी कि तो रिपोर्ट कार्ड पे इनकी निगाह टिकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आएंगे, लेकिन इसी तरीके से सुरेश जी आपको जोड़ेंगे, आपके पास अच्छी जानकारी है, फिलहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।